कांग्रेस नेता में जमकर खुशी की लहर दौड़ रही है। बता दें कि जमानत से छूटने के बाद एक कांग्रेस नेता को दूध से नहलाया गया। बता दें कि इंदौर में एक भाजपा नेता पर प्राणघात हमले के मामले में जमानत जेल से छूटने पर कांग्रेस पार्षद राजू भदौरिया के स्वागत में उनके समर्थकों ने गाजे बाजे और साथ जुलूस निकाला और उन्हें दूध से नहलाया गया। बता दें कि इस वाकये की तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलने के बाद नाराज भाजपा ने आरोप लगाया है कि उन्हें कांग्रेस एक गंभीर मामले के आरोपी का महिमांडन और राजनीति का अपराधीकरण बता रही है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के वार्ड क्रमांक 22 के पार्षद राजू भदौरिया के खिलाफ नगर निगम चुनाव के मतदान के दौरान भाजपा के प्रतिद्वंदी उम्मीदवार चंदूराव सिंधे और प्राणघात हमले के बाद में आरोपी के भारतीय दंड विधान की धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया गया था। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में राजस्थान के कोटा से उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया था और फिर बाद भदौरिया को न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया था और अदालत से जमानत मिलने पर बुधवार को जेल में रिहा हुए। बता दें कि जेल से रिहा होने के बाद भदौरिया को स्वागत में उनके समर्थकों द्वारा जुलूस निकालने पर उन्हें ये सब करना पड़ा और जुलूस निकालने के बाद उन्हें दूध से अभिषेक किए जाने लगा। भाजपा की इसी तीखी आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें इससे आपत्ति है। मैं बता दूँ कि ये सब देख कर भाजपा जल उठा है। तो आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।